दोस्तों, मैं हूं कवि सजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविंग मशीन वर्कशॉप। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन का टांका बिल्कुल छोटा है, आप फुल चार कर देते हैं, फुल चार करने के बावजूद भी आपका टांका बिल्कुल छोटा सा रहता है, अगर आप टांका बड़ा करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को एंड तक देखा करें। दोस्तों, आप चार बड़े करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका टांका बिल्कुल छोटा रहता है। फुल चार है पाँच पर, लेकिन टांका यहाँ पर बिल्कुल छोटा आ रहा है। आप इसको टांके को डबल करना चाहते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी चाल, टांका बिल्कुल छोटा आ रहा है। यहाँ से देखते हैं आपको, ये टांका बिल्कुल छोटा है, ये देखें। तो आप इसको इससे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पहले सबसे पहले चाल को चेक करना है कि चाल मेरी कहाँ पर जाकर लगती है। पाँच नंबर पर जाती है, एक से स्टार्ट होकर पाँच पर जा रही है, लेकिन टांका फिर भी छोटा आ रहा है। तो इसके दो तरीके होते हैं चाल करने के। एक तो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर गेम होती है जो चिमटे में चलती है। दोस्तों, ये संतरी है और ये चाल चिमटे की गेम होती है। अगर आपको गेम ऊपर करेंगे, इसकी गेम ऊपर करेंगे तो इसका टांका बड़ा हो जाएगा, लेकिन टांका बड़ा होने के बावजूद आपका मशीन का टांका ख़राब भी हो सकता है। आप इसकी सेटिंग ख़राब करेंगे, अगर गेम छेड़ेंगे इसका टांका तो बड़ा हो जाएगा लेकिन टांका ख़राब हो जाएगा। तो दूसरा तरीका बिल्कुल आसान मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके सामने इस वीडियो में सिखाऊँगा आपको। दोस्तों, अगर आपने चाल का टांका बड़ा करना है तो आपने ये नट खोल लेना है, चाल वाला नट खोलें। दूसरे का आपने लेनी है रेती, ब्रिक रेती लेनी है और आपने यहाँ पर रेती लगानी है। ये चाल किली है, इसको आप थोड़ा सा नीचे करके देख लेना है, इसकी रेती सेट हो गई है कि नहीं होगी। देखें, हो चुकी है, ये देखें। इस तरीके से आपने टांका करना ठीक, ठीक है दोस्तों। आपने के लेनी थोड़ी, और थोड़ी सी आपने क्या करना दोस्तों, यहाँ पर आपने हल्की चोट लगानी है इस तरह। ज़्यादा लगाएंगे तो ये चाल के लिए टूट सकती है, लेकिन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, आपने उसी तरीके से इसको थोड़ी सी चोट लगानी है हल्की हल्की। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर निशान पर किली पर पाँच पर है, ये किली अभी पाँच पर है, तो जब मैं ये नीचे करूँगा तो तीन पर आ जाएगी, यानी कि इतना टैंके का फर्क पड़ जाएगा। देखें दोस्तों, गौर से आपने देखना है, देखें। देखिए दोस्तों, ये तीन पर आ चुकी है। अगर आपने टांका इससे भी थोड़ा बड़ा करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने हल्की सी वो चोट लगा देनी है, देखिए पाँच पर, चार, तीन, दो पर आ गई है। देखिए दोस्तों, ये इतना टांका बड़ा हो चुका है, और अब टांका पहले छोटा था, अब बड़ा हो टांका आपको दिखाऊंगा। ये तरीका है टांका बढ़ने का, बड़ा करने का। लगा लेंगे दोस्तों, और ये नट देखें, आपने वहाँ पर लगा देना वापस। इससे क्या होगा, आपकी मशीन का जो टांका है छोटा आ रहा था, आपको टांका बड़ा चाहिए तो टांका बड़ा हो जाएगा। दो पर रखी हुई है, दो या तीन पर रखी हुई है, तो मशीन आपको चलाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये आप टांका देख रहे हैं, ये सबसे पहले टांका था, बिल्कुल छोटा टांका, देखो बिल्कुल छोटा टांका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ से देखें। अब मैंने ठीक किया है मशीन को, अभी मैं आपके सामने टांका लगाऊंगा सिलाई। यहाँ पर आपने देख रहे हैं, ये चाल है, जब मैं पहले फुल की थी तो टांका बिल्कुल छोटा था, अब मैं ऊपर करूँगा चाल को थोड़ा सा, आप टांका को चेक कराऊंगा इसका टांका कितना बड़ा हुआ है। दोस्तों, अभी मैंने चाल ये चार पर काट दी है, अभी टांका दिखाऊं। यहाँ पर आपने टांका देखा है गौर से, कितना बड़ा हो चुका है। ये देखें, ये छोटा टांका है, यहाँ पर दिखाता हूँ बैक साइड पर, ये देखें, ये देखें, ये छोटा टांका था। दोस्तों, आज हमने आपको सिखाया कि आपका आपकी मशीन का टांका छोटा है तो आप टांका किस तरह बड़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।